गजाननम भूतगणादि सेवितम कपीथ जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। ओम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगीर्भिध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकेकनाथनम। ओम गणाधिपत्य नमः। ओम गौरीपत्य नमः। ओम श्रीरामाय नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आवरण देवेभ्यो नमः। पाद्योः पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, चंदनं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, धूपं समर्पयामि, दीपं समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि, शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सज्जनों, ऋषि व्यास जी महाराज बोले कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराण वेता सूत जी से पूछने लगे, हे महर्षि, जिस व्रत अथवा तप से हमको अभिष्ट फल प्राप्त हो सके उसको हमारी सुनने की इच्छा है, आप हमसे कहने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, एक समय यही प्रश्न नारद जी ने लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवऋषि नारद जी से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ गए। यहां आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के कलेशों और अपने अपने कर्मों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर हो ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेतवर्ण, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं वनमालाओं से सुशोभित देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान को देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान ऐसी स्तुति सुनकर नारद जी से बोले, हे नारद, तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम्हारे मन में क्या है? हे मुनि, वो सब तुम मुझसे कहो, मैं उन सब का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक के प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं, अतः यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताइए कि उनका दुख किस प्रकार से दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह माया से मुक्त हो जाते हैं उसे तुम ध्यान से सुनो। स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में पुण्य प्रदान करने वाला एक परम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूं। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल और क्या विधि है एवं उस व्रत को किस किसने किया तथा वो व्रत कौन से दिन करना चाहिए, ये सब विस्तार से कहने की कृपा करें। श्री भगवान बोले कि ये व्रत दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान का देने वाला और सर्वत्र विजय का देने वाला है।
और जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, ब्राह्मण और बंधुओं सहित धर्म में तत्पर रहे, मिठाई, केले के पके फल, घी, दूध और गेहूं का आटा या चावल का आटा, शक्कर अथवा गुड़ ही लेकर संपूर्ण प्रसाद को भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगावे तथा अपने बांधवों सहित कथा सुन और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करे और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करके अपने स्थान को चला जाए। इस व्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेष करके कलयुग में पृथ्वी पर यही एक छोटा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय संपूर्णम्। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इसके बाद जिसने इस व्रत को किया उस कथा को कहता हूं। काशीपुरी नामक सुंदर नगरी में एक अत्यंत निर्धन शतानंद नामक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भूख और प्यास से दुखी हो नित्य ही पृथ्वी के ऊपर विचरता था। ब्राह्मणों से अधिक स्नेह करने वाले भगवान उस ब्राह्मण को दुखी देखकर स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर अति आदर पूर्वक उससे पूछने लगे, हे ब्राह्मण, तुम पृथ्वी पर अत्यंत दुखी हो नित्य क्यों फिरते हो? हे विप्रवर, वो समस्त कारण मेरी सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए इस धरती पर घूम रहा हूं। हे प्रभु, यदि मेरी इस निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय आप जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहो। वृद्ध वेशधारी ब्राह्मण बोला कि भगवान श्री सत्यनारायण इच्छित मनोरथों के सिद्ध करने वाले हैं। हे ब्राह्मण, तुम उन्हीं का पूजन और व्रत करो। जिस उत्तम व्रत के करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं उस संपूर्ण व्रत की विधि विधान पूर्वक बतलाकर वेशधारी ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। व्रत ब्राह्मण ने जो मुझसे कहा है उस व्रत को मैं करूंगा, ऐसा विचार करते हुए उस ब्राह्मण को सारी रात नींद नहीं आई और प्रातःकाल उठकर वो ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन शतानंद को बहुत से धन की प्राप्ति हो गई और उसने उस धन से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो समस्त दुखों से मुक्त होकर संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो गया। उसी समय से वो हर महीने व्रत करने लगा। इस प्रकार श्री सत्यनारायण के इस उत्तम व्रत को करके वो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ विप्र शतानंद समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण के इस व्रत को पृथ्वी पर जब भी कोई करता है उसी समय उस मनुष्य के अनेक दुख नाश हो जाते हैं। इस प्रकार ये वृतांत श्री नारायण ने नारद जी से कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने ये व्रत तुम्हें कह सुनाया, अब और क्या वर्णन करूं? ये सुनकर ऋषि बोले, उस विप्र से सुनकर है मुनि, इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया वो सब हमारी सुनने की इच्छा है। श्री सूत जी ने कहा, फिर जिसने इस व्रत को भूमि पर किया था सब लोग उसकी कथा सुनो। एक दिन वही शतानंद ब्राह्मण अपनी शक्ति के अनुसार अपने बंधु बांधुओं सहित व्रत करने को तैयार हुआ। इतने ही में एक लकड़हारा लकड़ी लेकर वहां उपस्थित हुआ।
लकड़ियों को बाहर रखकर लकड़हारा विप्र के घर में गया। भूख से पीड़ित होने पर भी उसने विप्र शतानंद को वहीं व्रत करते देखा। विप्र को प्रणाम करने के पश्चात वो वहीं बैठकर भगवान का भजन और कीर्तन सुनने लगा। कीर्तन के पश्चात लकड़हारा शतानंद से बोला, हे विप्र, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्रीमन, वो सब विस्तार से मुझसे कहो। विप्र शतानंद बोला कि ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत समस्त इच्छित कामनाओं का देने वाला है। इसी के प्रभाव से मेरे यहां सब धन धान्य की वृद्धि हुई है। शतानंद से इस व्रत को सुनकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान के प्रसाद का भक्षण कर नगर को चला गया। तब लकड़हारा मन में ऐसा विचार करने लगा कि आज गांव में लकड़ियों को बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा विचार करके और लकड़ियों को सिर पर रखकर वो एक ऐसे सुंदर नगर में गया जहां अत्यंत धनी लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ियों का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। तब लकड़हारा प्रसन्न होकर केले की पकी फलियां, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सबको सवाया इकट्ठा करके अपने घर को गया। फिर बंधुओं के साथ विधि पूर्वक उसने व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से वो लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा ध्यान लगाकर सुनिए। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महाबुद्धिमान राजा था। वो धर्मात्मा राजा नित्य मंदिरों में जाता था और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उस राजा की लावण्यवती कमलवदनी पतिव्रता स्त्री थी। वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। इतने ही में एक साधु नाम का साहूकार वहां आकर उपस्थित हुआ। वो साहूकार व्यापार करने के लिए बहुत सा धन और परिवार सहित नाव को नदी के तट पर ठहरा कर राजा के पास पहुंचा और राजा को व्रत करते देख बड़ी ही नम्रता से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त होकर ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब मेरे सामने प्रकट करने की कृपा करें। मेरी इसे सुनने की बड़ी इच्छा है। राजा बोला, हे सज्जन वैश्य, मैं अतुल तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन कर रहा हूं और स्वजनों सहित पुत्रादि की कामना से उन्हीं का व्रत भी कर रहा हूं। राजा के वचन को सुन वैश्य ने आदर सहित कहा, हे राजन, इस व्रत का समस्त वृतांत मुझसे कहो, मैं भी आपका कहना करूंगा। हमारे भी संतान नहीं है और इस व्रत के करने से निश्चय ही होवेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उल्कामुख राजा ने श्री सत्यनारायण के व्रत का समस्त विधान साहूकार से कह सुनाया। व्यापार से फुर्सत पाकर प्रसन्न हो साहूकार अपने घर को गया और संतान के देने वाले उस उत्तम व्रत को अपनी स्त्री से कहा और कहा, जब मेरे संतान हो जाएगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार वैश्य साहूकार ने अपनी स्त्री लीलावती से संपूर्ण व्रत का महात्म्य कह सुनाया। एक दिन उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती
सांसारिक धर्म में तत्पर हुई और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक रत्न रूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वो कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। चंद्रमा की कला के समान बढ़ने के कारण ही उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती अपने पति से मधुर वचन कहने लगी, हे स्वामी, आप जिस व्रत के करने का पहले संकल्प कर चुके हैं उसे क्यों नहीं करते? साहूकार बोला, हे प्यारी, मैं निश्चय ही कन्या के विवाह के समय श्री सत्यनारायण का यह व्रत करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर नगर में व्यापार करने के लिए चला गया। तब वो कलावती नाम की कन्या पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। तब एक दिन उस धर्मात्मा वैश्य ने नगर के बीच कन्या को सखियों के संग विवाह के योग्य देखकर उसका विवाह कर देने का विचार किया और स्त्री से सलाह करके शीघ्र ही दूत को रवाना किया। कन्या हेतु श्रेष्ठ वर ढूंढने के लिए वो दूत कंचनपुर नगर जा पहुंचा तथा वहीं से एक सुंदर वैश्य के पुत्र को ले आया। सुंदर और गुणवान वैश्य के पुत्र को देखकर और संतुष्ट होकर अपने बंधु बांधुओं सहित विधि विधान से उस वैश्य ने अपनी कन्या कलावती का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश उस उत्तम व्रत को वो विवाह के समय करना भूल गया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान उससे रुष्ट हो गए। इसके कुछ दिनों बाद वही वैश्य साहूकार जामाता सहित व्यापार करने के लिए समुद्र के निकट रत्नसारपुर नगरी में गया और वहीं पर जामाता सहित व्यापार करने लगा। जब वो दोनों चंद्रकेतु राजा के रमणीक नगर में गए तो उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान ने इसे झूठा देखकर इसको श्राप दिया कि इसे महाघोर कठिन दुख होगा। एक दिन राजा का धन लेकर चोर वहां ही आए जहां पर दोनों वैश्य ठहरे हुए थे। चोर अपने पीछे पीछे दौड़ते हुए राजदूतों को देखकर और चित्त में भयभीत होकर इस धन को वहीं छोड़कर गायब हो गए। तब वे दूत वहां उन सज्जन वैश्यों के निकट आए और राजा के चुराए हुए धन को देखकर वैश्य पुत्रों को बांध ले गए तथा प्रसन्नता से राजा के समीप जाकर कहने लगे, प्रभु, हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर दोनों वैश्यों को मजबूत बंधन में बांधकर बिना विचारे हुए डाल दिया गया। श्री सत्यनारायण की माया से किसी ने उनका कहना नहीं सुना और राजा चंद्रकेतु ने उनका समस्त धन हरण कर लिया। उसी शाप से साहूकार की स्त्री लीलावती आधी व्याधि और भूख प्यास से अत्यंत दुखी होकर अन्न की चिंता में व्याकुल हुई घर घर फिरने लगी। कलावती भी नित्य घर में भिक्षा मांगती फिरने लगी। एक दिन वो कन्या क्षुधा से व्याकुल होकर ब्राह्मण के घर पहुंची और वहां श्री सत्यनारायण का व्रत होते देख उसने वहीं बैठकर कथा सुनी तथा श्री सत्यनारायण का प्रसाद भक्षण कर रात्रि में घर गई तो उसकी माता कलावती से प्रेम सहित पूछने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात्रि तक तू कहां थी और तेरे मन में क्या है? तब कलावती कन्या तुरंत माता से कहने लगी, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर सब मनोरथ सिद्ध करने वाला एक व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर साहूकार की स्त्री प्रसन्न होकर कन्या कलावती के साथ
श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना के बाद लीलावती ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और ये वर मांगा कि मेरे पति और जामाता शीघ्र ही घर लौट आएं। इस व्रत के करने से सत्यनारायण भगवान फिर संतुष्ट हो गए और श्री सत्यनारायण भगवान ने चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, बंदी गृह में उपस्थित दोनों वेश्यों को भोर होते ही छोड़ दो और जो कुछ तुमने उनका धन लिया है वो भी तुरंत इन्हें दे दो, नहीं तो मैं राज्य धन और पुत्र सहित तेरा नाश कर डालूंगा। इस प्रकार भगवान राजा से कहकर अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन प्रभात होते ही राजा ने स्वजनों सहित सभा के बीच बैठकर लोगों से अपना स्वप्न कहा और आज्ञा दी कि बंधन में पड़े दोनों महाजन पुत्रों को तुरंत छोड़ दिया जाए। राजा के ऐसे वचन सुनकर राजपुरुष दोनों वेश्यों को बंधन से मुक्त कर नम्रता पूर्वक राजा के आगे लाकर कहने लगे, राजन, हम दोनों वेश्य पुत्रों को कठोर बंधन से मुक्त करके ले आए हैं। तब दोनों ने राजा को प्रणाम करके पहला वृतांत स्मरण करने लगे और भय से व्याकुल हो कुछ भी ना बोल सके। तब राजा ही वेश्य पुत्रों से आदर पूर्वक कहने लगा, भाग्य से तुमको महादुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कुछ भय नहीं है और उनकी बेड़ियां कटवा कर क्षोर कर्माधिक करवाया। तब राजा ने वस्त्र आभूषण देकर उनको वचनों से अच्छी तरह संतुष्ट किया और जो कुछ उनका धन लिया था उसको दुगना करके उनको दिया और कहा, हे महाजनों, आप अपने अपने घर को जाओ। राजा को प्रणाम करके वे दोनों महावेश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय संपूर्णम्। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, साहूकार ने मंगल विधान पूर्वक यात्रा प्रारंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण प्रभु ने उस साहूकार से आकर पूछा कि हे साहूकार, तेरी नाव में क्या भरा है? तब मदोन्मत्त साहूकार हंसते हुए बोला, मेरी नाव में तो लता पत्रादि अर्थात घास फूस ही भरी है। उसके ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तेरा वचन सत्य हो और जैसा कहता है वैसा ही हो। ऐसा कहकर दंडी रूपधारी भगवान तुरंत उसके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गए। दंडी वेशधारी भगवान के चले जाने पर साहूकार संध्या आदि क्रिया करके आया और नाव को ऊंची उठी देख अत्यंत विस्मय करने लगा। लता और पत्ते देख वो मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा और जब उसे चेत हुआ तब अत्यंत चिंता करने लगा। तब उसके जामाते ने कहा, आप शोक आदि क्यों करते हो? दंडी ने आपको श्राप दिया है, इससे उन्हीं की शरण में चलने से मनोरथ सिद्ध होगा। साहूकार जामाता की ऐसी बात सुनकर तुरंत ही दंडी भगवान के निकट आया और दंडी भगवान को देख भक्ति भाव से चरणों में गिरकर आदर सहित कहने लगा, आपके सम्मुख असत्य कहकर जो अपराध मैंने किया है सो उसे है प्रभु क्षमा करो। इस तरह बारंबार प्रणाम करके वो शोकाकुल होने लगा। उसको विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, मेरी पूजा से विमुख साहूकार, रो मत, मेरी बात सुन, मेरी अवहेलना से ही तुझे बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान के ये वचन सुनकर वो साहूकार भगवान की स्तुति करने लगा।
साहूकार के ऐसे भक्ति युक्त वचन सुन श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और मनोवांछित वरदान देकर भगवान तत्काल वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार ज्यों ही नाव के निकट पहुंचा और उसने धन से भरपूर उसको देखा तो सोचने लगा, श्री सत्यनारायण जी की कृपा से ही मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ है। फिर वो अपने साथियों एवं संगियों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर अपने नगर रत्नपुरी की ओर चला। नगर के निकट पहुंचकर साहूकार ने दूत को अपने घर भेजा। वो दूत नगर में जाकर साहूकार की स्त्री के सम्मुख हाथ जोड़कर नमस्कार कर कहने लगा, सेठ जी, जामाता और बांधव सहित बहुत सा धन लेकर नगर के निकट आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साहूकार की स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा से निवृत्त हो अपनी कन्या से बोली, हे पुत्री, मैं स्वामी के दर्शन को जा रही हूं और तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर व्रत की समाप्ति के बाद और प्रसाद को त्याग कर कलावती भी पति के दर्शन करने को चली गई। इस प्रकार प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए तथा उन्होंने कलावती के पति को नाव सहित डुबो दिया। तब कलावती अपने पति को ना देखकर महाशोक से रुदन करती हुई भूमि के ऊपर गिर पड़ी। इस तरह डूबी हुई नाव और कन्या को महादुखी देखकर साहूकार अत्यंत भयभीत होकर कहने लगा, ना जाने कौन से देवता के प्रकोप से नाव हरण हो गई है, या तो नाव को सत्यनारायण ने हर लिया या मैं ही सत्यनारायण की महामाया से भूल रहा हूं। मैं धन और वैभव के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूंगा, ऐसा कहकर वो बारंबार पृथ्वी के ऊपर दंड के समान गिरकर सत्यनारायण को प्रणाम करने लगा। तब दीन जनों के पालन करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साहूकार, तेरी कन्या मेरे प्रसाद का परित्याग कर अपने पति को देखने चली आई, इसी से तेरी कन्या का पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद का भक्षण कर फिर लौट कर आए तो तेरी कन्या को पति प्राप्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। कन्या आकाश से ऐसे वचन सुनकर तुरंत घर जाकर प्रसाद भक्षण करके फिर जब लौट कर आई तो उसने अपने पति को कुशल देखा। इस पर कलावती कन्या अपने पिता से बोली, हे पिताजी, अब घर को चलो, विलंब क्यों करते हो। कन्या के ऐसे वचन सुनकर साहूकार ने प्रसन्न होकर श्री सत्यनारायण का पूजन विधि विधान से किया। उस दिन से वो साहूकार हर पूर्णिमा तथा संक्रांति को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन नियम पूर्वक करने लगा, जिसके कारण वो इस लोक में सुख भोग कर अंत समय श्री सत्यनारायण भगवान के बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके आगे की कथा बड़े ही ध्यान से सुनने की है। प्रजा के पालन पोषण में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने श्री सत्यनारायण के प्रसाद को त्याग कर घोर दुख पाया। एक समय वो राजा शिकार के दौरान बहुत से पशुओं को मारकर बरगद के पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा कि उससे थोड़ी ही दूरी पर संतोष और भक्ति भाव से भरपूर बांधवों सहित गोप ग्वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। उस समय वो अपने अहंकार के वशीभूत होकर ना वहां गया और ना ही उसने प्रणाम किया। जब ग्वालों ने श्री सत्यनारायण के प्रसाद को राजा के सामने रखा
तो राजा ने प्रसाद का परित्याग कर अपने घर को चला। इससे उसने अत्यंत ही कष्ट पाया। राजा के 100 पुत्र, धन धान्यादिक जो कुछ भी था वो सभी नष्ट हो गया। तब राजा ने निश्चय किया कि वो ये सब श्री सत्यनारायण का ही किया हुआ है। इस कारण मैं वहां ही जाऊंगा जहां सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। मन में ऐसा विचार करके वो राजा ग्वालों के समीप आया। वहां उसने भक्ति और श्रद्धा से ग्वालों के साथ श्री सत्यनारायण का विधि सहित पूजन किया। तत्काल ही वो राजा श्री सत्यनारायण की कृपा से फिर से धन और पुत्रों से संपन्न होकर नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत समय वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जो नर नारी परम दुर्लभ इस सत्यनारायण के व्रत को करते हैं और भक्ति के साथ तत्काल फलदायिनी इस पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको सत्यनारायण की कृपा से धन एवं धान्य आदि की प्राप्ति होती है। निर्धन को व्रत करने तथा कथा सुनने से धन की अवश्य प्राप्ति होती है और बंधन में बंधे हुए प्राणी बंधन से मुक्त होते हैं। भयभीत पुरुष भय से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। व्रतकर्ता और श्रोता संसार में मनवांछित सुखों को भोग कर मृत्यु के समय स्वर्ग को चला जाता है। हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे ये श्री सत्यनारायण का व्रत वर्णन किया, जिस व्रत के करने से मनुष्य समस्त दुखों से छूट जाते हैं। सत्यनारायण की पूजा कलयुग में विशेष फलदायिनी है। हे मुनीश्वरों, इस जन्म के पहले मानव देह को पाकर जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया है उनके दूसरे जन्मों की कथा कहता हूं। काशी नगरी का शतानंद अपने दूसरे जन्म में परम बुद्धिमान सुदामा नाम का ब्राह्मण होकर श्री कृष्ण भगवान का दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़हारा जो भील था वो केवट होकर श्री रामचंद्र जी की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख महाराज दशरथ नाम के राजा होकर श्री रंगनाथ जी की पूजा कर बैकुंठ को गए। साधु नाम का धर्मात्मा साहूकार दूसरे जन्म में मोरध्वज राजा हुआ, जिसने अपने पुत्र को चीर कर तथा उसे ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण को देकर मोक्ष को प्राप्त किया। तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए, जो भगवान के परम भक्त बनकर बैकुंठ को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा का श्रवण करते हैं वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को पाते हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अग्निर देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वस्वो देवता रुद्रा देवता आदित्यो देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रावः शांति रोषधया शांति वनस्पत्यः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वंग शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
चली।